आज हम बात करेंगे रमजान के शयाती। बड़ा इंटरेस्टिंग सा मौजू है कि रमजान की शयातीन से क्या मुराद है। रमजान की शयातीन दरअसल कौन लोग हैं? सबसे पहले वो जो इफ्तारी के वक्त निकलते हुए इस बात पे मुकम्मल यकीन रखते हैं कि अगर आप इफ्तारी के वक्त निकलते हुए किसी को रास्ते में दो गालियां ना दें तो आपका रोज़ा कबूल ही नहीं होगा। दूसरे वो शख्स जो लड़ाई ना करें, रोज़े में लड़ाई करते हुए ये ना बोलें कि भाई मेरा रोज़ा है। अरे भाई, यही तो मकसद है रोज़े का कि तुम सब्र लाओ अपने अंदर। रमज़ान की शयातीन यही लोग हैं। या ये स्वैप कर दो कार्ड, 100 रुपये का। 100 का नहीं होगा, 200 का होगा। यार तुमने जलील करवाने का ठेका लिया हुआ है, 200 का होगा। तुम्हारे अकाउंट में 200 नहीं है। तुम दलवा में आ रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम, कोई है? दीज आर माई फेवरेट्स, पर यहाँ पे काफ़ी महंगी मिल रही हैं तो मैं शायद यहाँ से ना बाय करूँ। ओके, दिस वन इज ऑल्सो माई फेवरेट, आई गॉट कपल ऑफ दीज। किधर है? क्या हुआ? असद, मैंने अपना मुंह छुपाया हुआ है। इसी ने अभी सिग्नल तोड़ा है और अभी दूसरे के तोड़ने के भी मूड में था, लेकिन मुझे पहले दिखाना कि वो लाल बत्ती हुई हुई थी या नहीं। इल्जाम तराशी मेरे पास सबूत है, कैमरे में पूरा रिकॉर्ड है, लाल बत्ती हुई हुई थी। असद, दर्शक दीवाने हो रहे हैं तुम्हारे हेलमेट उतारने के अंदाज से, इन्हें हाय कह दीजिए। हेलो, हाँ यहीं से है, आ जाओ। अरे कोई आदम है यहाँ पे? Feet 4. जिसमें आपके दो प्रीमियम बर्गर जी डाइनिंग है। एक तो पिज्जा कर दें, और मैसी मीट में क्या है? पिज्जा बर्गर बीफ में होगा, चिकन में? बीफ में, चिकन में। तुम खा रहे हो? हाँ ठीक है, एक चिकन में कर दें पिज्जा बर्गर, और मैसी मीट कर दें बीफ में, और दूसरा बर्गर चिकन बीफ में होगा। मैसी मीट बीफ बीट जाएगा। और प्राइस कौन सा? पिज्जा प्राइस के अलावा बताइए। बिग डिसअपॉइंटमेंट। ये वाला जेटिंग के भाई ने, भाई का नाम अभी ये भी असद है, ये भी असद है, और ये भी असद है। एक जेस्टी और एक चीज का फ्राइज कर। बेसिकली गाइस, ये है हमारा पहला फूड रिव्यू वी लोग के चैनल में, और इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि बर्गर क्लॉक पे हमारा एक्सपीरियंस पर्सनली कैसा रहा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये चैनल का नाम वी लोग है, मैं कोशिश तो यही करूंगा कि हर एपिसोड में आपको अपने इर्द गिर्द से किसी नए बंदे से मिलवा सकूं,
लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो यार माजरत। खैर हम आते हैं वापस अपने फूड रिव्यू की तरफ। ये कम्प्लीटली फ्री एंड फेयर फूड रिव्यू है, हमें इस चीज़ के कोई पैसे नहीं मिले हुए। ये बेसिकली हम लोग अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और हमने सडन प्लान बनाया कि यार चलो इस तारीख करने चलते हैं, और हमें बर्गर क्लॉक काफ़ी करीब पड़ा तो हम पहुंच भी गए। बात इतनी सी है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, बहुत क्लीन इन्वायरमेंट था, फ्रेश बंस थे, मीठी जूस था और बहुत मजे का था और अफोर्डेबल भी था। थोड़ा सा मैं कहूँगा प्राइस में ऊपर था नॉर्मल बर्गर्स के मुकाबले में, लेकिन बहुत अच्छा था, वैल्यू पूरी थी इसकी। ये बेसिकली दो बंदों की मील थी, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हाफ पर्सन कोई और भी फिट इन कर सकता है। हाफ से मुराद बेसिकली वो औरतें जो कम खाती हैं या वो बच्चे जो कम खाते हैं, तो वो लाजमी आपके साथ इसमें फिट इन कर सकते हैं दो बंदों के साथ। तो इट्स एक्स्ट्रा वैल्यू मील, तो अगर आप कभी भी दो बंदे या ढाई बंदे जाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं बर्गर क्लॉक। ओवरऑल बर्गर क्लॉक गुड जॉब की बेटा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या नहीं भी आती यार तो बुरा ना मानना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके लाइक करके शेयर कर देना। अगर नहीं भी करो तो भी खैर है, लेकिन कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।